हेलो टुडे वी वील बी डूइंग क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज नाइन बी क्वेश्चन इज वी हैव टू मैच द फॉलोइंग सो स्टार्टिंग ए पार्ट इज ए प्लस माइनस टू ए प्लस बी तो हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस इज माइनस टू ए प्लस बी अगर मैं हॉरिजोंटल मेथड से इसको सिंप्लीफाई करती हूँ दीज टू आर लाइक टर्म्स ये तो अनलाइक है बट दीज टू आर लाइक टर्म्स ठीक है तो मैं प्लस बी को ऐसे ही लिख लेती हूँ ए ए आई राइट ए है ठीक है वन माइनस टू माइ सॉरी वन माइनस टू कितना हो जाएगा दिस विल बी वन टू माइनस वन वन होता है साइन किसका आएगा नेगेटिव का दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा माइनस ए क्लियर है सो so आंसर ये कितना है माइनस ए प्लस बी स द आंसर फॉर ए पार्ट इज थर्ड फोर्थ वन ठीक है माइनस ए प्लस बी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ पार्ट क्लियर है ना कमिंग टू द बी पार्ट बी इज एक्स माइनस टू वाई प्लस वाई प्लस एक्स हम यहाँ पे क्या करेंगे लाइक like टर्म्स को आपस में एड करेंगे लाइक like को आपस में करेंगे क्लियर है नाउ टू प्लस वन एज थ्री और x आ जाएगा यहाँ पे टू एक्स प्लस वन एक्स कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा वाई क्योंकि यहाँ पे वन आएगा ठीक है तो टू प्लस वन इज थ्री एक्स एज इट इज आ जाएगा क्लियर सेम आई डू हेयर दोनों लाइक टर्म से तो मैं एक वाई लगा दूंगी यहाँ पर माइनस टू प्लस वन कितना होता है माइनस टू प्लस वन इज टू माइनस वन इज वन साइन किसका आएगा नेगेटिव का बिकॉज टू हैज अ ग्रेटर वैल्यू क्लियर है तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस वन एंड टू वाई या फिर यू कैन कॉल इट एज माइनस वाई ऑल्सो तो थ्री एक्स माइनस वाई दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा क्लियर है नाउ कमिंग टू द सी पार्ट सी पार्ट इज एन स्क्वेर प्लस फोर एम प्लस फाइव एन माइनस टू एन स्क्वेर मैं लाइक से लाइक like को सिंप्लीफाई करती हूँ क्लियर है तो जो अनलाइक हैं आई विल राइट देम एज इट इज़ इनको ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस फोर एम प्लस फाइव एन इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं आई विल राइट एन स्क्वेयर अब जो इसमें कॉन्स्टेंट है वो देखते हैं हेयर वी हैव माइनस टू हेयर वी हैव प्लस वन माइनस टू प्लस वन कितना होता है दिस इज इक्वल टू वन विद अ नेगेटिव साइन ठीक है सो दिस इज माइनस वन एन स्क्वेयर और माइनस एन स्क्वेयर ठीक so so है सो द आंसर इज माइनस एन स्क्वाइव एम ठीक है सो आंसर हेयर इज सेकेंड पार्ट क्लियर है नाउ मूविंग टू द डी पार्ट डी इज एन स्क्वेर इंटू एन हमने एक रूल क्या पढ़ा था इफ यू हैव नंबर्स लाइक दिस ए टू द पावर टू द पावर एन दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन यही पढ़ा था हमने एक रूल सेम रूल विल अप्लाई हेयर हेयर वी हैव द बेस इज इन इन क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है सेम बेस डिफरेंट पार्ट आई एड द पार दिस इज इन टू द पार्ट थ्री तो इसमें कौन सा आ रहा है फिफ्थ पार्ट है ना दैट मीन्स आंसर हेयर इज फिफ्थ क्लियर नाउ कमिंग टू द ई पार्ट ई इज फोर एक्स स्क्वेर प्लस फाइव माइनस फाइव माइनस फोर वाई प्लस फाइव इसमें कितना हो जाएगा एक्सक्वेर इसके साथ कोई और लाइक like टर्म नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा माइनस फाइव प्लस फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है देन वी हैव वाई एंड माइनस फोर वाई तो मैं वाई लिख देती हूँ माइनस फोर प्लस वन दिस इज थ्री विद ए नेगेटिव साइन क्यों नेगेटिव आएगा बिकॉज फोर हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू उसके साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आएगा एक्स स्क्र माइनस थ्री वाई दैट मीन्स आंसर फॉर ई इज सिक्स ठीक है क्लियर आई होप एवरी थी क्लियर टू एवरीबाडी सबको समझ में आ रहा है अच्छे से इफ़ इट्स नॉट क्लियर इन प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन आई एक्सप्लेन एट वन मोर टाइम दिस इज स्क्र अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दिन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोग को यू कैन गेट गेट द लेटेस्ट अपलोड ऑल्सो फिर ये पार्ट है सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस फाइव वाई प्लस सेवन यहाँ पे इसके साथ कोई और लाइट टर्म नहीं है इसके साथ कोई और लाइट टर्म नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे ठीक है दीज टू आर लाइक टर्म्स हेयर आई हैव वाई लिख दूंगी मैं इसका जो वेरिएबल है हेयर आई हैव प्लस वन हेयर आई हैव माइनस फाइव फाइव माइनस वन इज फोर विद नेगेटिव साइन So the answer here is 7x square minus 4 by plus 7. So the answer for f part is third. Clear? Now we'll be moving to the third question.